देश इस समय पर कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, उसी के तारतम्य में देश भर में वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ है। और आज हम पहुंचे हैं सीधी जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत। आप हमारे पीछे देख रहे हैं हमारे विजुअल में कौन से स्कूल भैया, प्राथमिक पाठशाला पहाड़ी चकतेंदुहा में। तो आज ग्राम पंचायत पहाड़ी का प्राथमिक पाठशाला चकतेंदुहा में वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ है। और यहाँ पर पहाड़ी ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं 18 प्लस और 45 के अंदर, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तथा इस महामारी से निपटने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हम यहाँ पर पहुँचे तो देखने को मिला कि यहाँ पर पुरुष और महिला बराबर संख्या में आ रहे हैं, अपना वैक्सीनेशन का काम करवा रहे हैं और उसके बाद अपने घर को जा रहे हैं। तो वर्तमान में हमारे साथ कुछ लड़कियां भी हैं जो अपना वैक्सीनेशन करवाई हैं, उनसे जानेंगे कि वो वैक्सीनेशन करवाईं तो अब उन्हें कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले क्या नाम है, क्या नाम है? प्रिया मिश्रा। मास्क लगाइए, प्रिया मिश्रा नाम है। आपने वैक्सीनेशन लगवाया? वैक्सीन लगवाया आपने? हाँ। चलिए, तो कोई दर्द हुआ आपको? नहीं। अब अच्छा लग रहा है ना? हाँ। चलिए, तो इनका प्रिया का यह कहना है कि हमने वैक्सीन लगवा लिया है और अब हमें अच्छा लग रहा है, हम देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति सजग हैं और सहयोग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लड़कियां हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? प्रिया मिश्रा नाम है। प्रिया मिश्रा नाम है। रिया। आपको वैक्सीन लग गया? हाँ, लग गया। अच्छा, दर्द तो नहीं हुआ? नहीं, नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? प्रीति मिश्रा। वैक्सीन लगा आपको? हाँ। दर्द तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल। चलिए, तो इनका सबसे बड़ी डर यही रहती है लोगों में कि यह अफवाह फैली कि वैक्सीन लगने से कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें, लगातार अपने अपने सेंटरों में जाके हर ग्राम पंचायत स्तर पर और युद्ध स्तर में वैक्सीन का काम चल रहा है, तो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे। हमारे साथ समाज के कुछ युवा वर्ग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि सबसे पहले क्या नाम है आपका? विक्रमादित्य मिश्रा नाम है मेरा। जी, आपने वैक्सीन लगवा लिया? और बिल्कुल, मैंने वैक्सीनेशन करवा लिया है जी। और मैं एक बड़ा ही स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ भारत की जनता को और अपने गांव की जनता को। ऐसा है, दो गज दूरी मास्क है जरूरी, ये सरकार ने तय कर दिया, लेकिन अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने जीवन को ध्यान में रखते हुए, अपने जीवन को बचाने के लिए हम तय करें कि हम वैक्सीनेशन करवाएं, मास्क लगाएं और समाज से जितनी दूरी हो सके उतना हम बनाए रखें। इस परिप्रेक्ष्य में हमने अपने युवा साथियों के साथ, अपने युवा साड़ियों और तरुणाई के साथ हमने तय किया कि हम गांव-गांव में, गली में, मोहल्ले में वैक्सीन के प्रति जागरूकता का काम करेंगे। विक्रमादित्य का सीधे सीधे साफ तौर पर कहना है कि हम अपने समाज के प्रति सजग रहें, सभी को हम सजग कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन का काम करवाएं। हमारे साथ कुछ और युवा साथी हैं, क्या नाम है आपका? मनोज मिश्रा। आप क्या संदेश देंगे? हमारा संदेश पब्लिक को यही है कि हर कोई बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन करवाए और इस कोरोना महामारी को कंट्रोल करने में मदद करे। आपने वैक्सीन लगवा ली है? हाँ, हमने लगवाई है। आपका क्या नाम है? शिवाकांत मिश्रा नाम है। आपने वैक्सीन लगवा ली? जी। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या नाम है भैया? CFNAS चौहान जी। मैं फौजी हूँ जी। मैंने चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, आपने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैंने अपनी क्या संदेश देंगे? मैं देश के युवाओं को यही संदेश देता हूँ, जैसे मैंने वैक्सीन लगवाई है जी, मेरे फौज ने यही कहा कि अगर वैक्सीन नहीं लगाते आप ड्यूटी ज्वाइन ना करिए जी, क्योंकि इससे आगे के लिए चेन टूटती है, बिल्कुल सबके लिए जी। मैं अपने गाँव के 4-5 और अपनी साथी लाया हूँ जी, जी, जिससे हमारे प्रति जागरूकता पैदा हो, हम लोग इस चेन को तोड़ें, अपने देश को सुरक्षित करें और समाज के प्रति अपनी कर्तव्य को निभाएं। चलिए, ये हमारे देश के जवान हैं, फौजी जवान हैं, बहुत ही अच्छा इन्होंने समाज के प्रति मैसेज दिया, अपने देश के प्रति मैसेज किया कि हर व्यक्ति वैक्सीनेशन करवाए और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को अदा करे। हम आगे भी अंदर भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कक्ष में कि किस तरह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, उनसे भी, डॉक्टरों से भी रूबरू करवाएंगे। युवाओं ने बताया कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वैक्सीनेशन का काम करवा रहे हैं। हम इस पहाड़ी सेंटर में पहुँचे हैं जहाँ वैक्सीनेशन का काम हो रहा है और यहाँ की टीम से जानेंगे कि कितने लोगों का वैक्सीन लग गया है, क्या उसके मापदंड हैं, किस हिसाब से काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैडम, कितने लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है? 50 लोगों को लग चुका है। आज हम लोगों के पास 100 डोज आए हैं जिसमें से केवल 50 लोग ही लगे हैं और हम ये चाहते हैं कि आज हमारा टारगेट जो हम लोगों को दिया गया है वो पूरा हो। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्वेता बेन, ANM पहाड़ी। चलिए,
तो श्वेता बहन जी का ये कहना है कि हमें 100 डोज का टारगेट दिया गया है, और अगर हम देख रहे हैं तो जितना लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, खासकर युवा वर्ग में कोरोना वैक्सीन के प्रति काफ़ी उत्साह हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर यही हालत रही आई तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 1 घंटे के अंदर इनका 100 का टारगेट पूरा हो जाएगा। हमारे साथ इस वैक्सीनेशन पहाड़ी सेंटर में यहाँ की नोडल अधिकारी हैं, उनसे हम रूबरू होंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है, कौन कौन से मापदंड निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहले मैडम आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं श्रीमती कमलेश पटेल, महिला बाल विकास पर्यवेक्षक हूँ जी, और मेरा दल में ड्यूटी लगी हुई है जी। अब यहाँ पर आपकी व्यवस्था है और सबसे पहले तो ये देखने को मिला कि बड़े उत्साह के साथ हमारी कार्यकर्ताएँ, आशा कार्यकर्ता और एनम लोग तो भरपूर सहयोग के साथ काम कर रही हैं, और यहाँ के लोग भी काफ़ी उत्साह में दिख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। कितने बजे से कितने बजे तक का टाइम दिया गया है वैक्सीनेशन का? जब तक हो जाएंगे 100 लोग, 5 बजे तक का, 9 से 5। चलिए तो ये यहाँ पर नोडल युक्त थी मैडम, इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब हम सबसे आपको महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताएंगे कि कुछ लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि वैक्सीन के प्रति, कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तरह तरह की भ्रांतियाँ आ रही हैं। तो जो जिनकी ड्यूटी लगी है वैक्सीन लगाने में, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैडम आपका नाम जानना चाहूँगा। संतोष कुमारी माझी, एनम पहाड़ी उत्तर। ये बताइए कि कुछ लोगों में यह भ्रांति है कि वैक्सीन से डेथ हो जाती है या बीमारी होती है? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सबसे शुरू में लगा हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोगों को तो साइड इफेक्ट होती, लेकिन हम लोगों को लग चुका है। लेकिन यहाँ के लोगों को यही बताते हैं, तो यहाँ के लोग तो बोलते हैं कि वो अच्छी वाली वैक्सीन लगी है आप लोगों को, हम लोगों को गलत वाली लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जो उनको लगा रही हुई तो हम लोगों को भी लगा है। इसलिए मैं यही सोचती हूँ लोग आ करके वैक्सीन लगवाए, अच्छी ही वाली लग रही है वैक्सीन, ये नहीं है कि खराब वाली वैक्सीन लग रही है। हाँ, चूंकि तो सभी मापदंडों पर उसको खरा उतारा गया है, इसके बाद ही वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो किसी प्रकार की यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो यहाँ पर साफ तौर पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाहे युवा वर्ग हो, चाहे 18 से प्लस और 45 के अंदर जितने भी आयु वर्ग के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, युवा वर्ग में उत्साह अधिक देखने को मिल रहा है और लोग आके वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। आप इसी प्रकार की खबरों को पाने के लिए देखते रहें प्रथम न्याय न्यूज।